कमिश्नरेट कानपुर द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान एसीपी नॉब्स्ता के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक बर्रा के नेतृत्व में बर्रा पुलिस द्वारा फरार चल रहे दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिन पर पुलिस उपायुक्त दक्षिण महोदय द्वारा 25,000-25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शिवम सोनकर उर्फ टोबू शिकारी पुत्र अनिल सोनकर उम्र करीब 23 वर्ष, अंश सिंह सिसोदिया उर्फ शिवांश ठाकुर पुत्र महेंद्र सिंह उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दिनांक 28 जनवरी 2024 को थाना बारा पर वादी के द्वारा एक तहरीर दिया गया था। तहरीर में उनके द्वारा तथ्य बताए गए थे। उन तथ्यों के आधार पर 147, 307 एवं अन्य सुसंगत धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त था अजय ठाकुर था, जिसके ऊपर 1,00,000 का इनाम कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा घोषित किया गया है। उसमें जो भी अन्य नामजद अभियुक्त थे, जो उनके सह अभियुक्त थे, उनके खिलाफ भी 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा घोषित किया गया था। इसमें हमारी पुलिस की टीमें लगी हुई थी। इसमें से दो जो अभियुक्त है, दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम शिवम सोनकर उर्फ टोबो शिकारी है। इसके ऊपर पूर्व में 3 मुकदमे हैं, जिसमें 1 लूट के भी मुकदमे शामिल हैं। इसके अलावा 324, 504 के मुकदमे हैं। जो दूसरा अभियुक्त है जो गिरफ्तार हुआ 25,000 का इनामिया, उसका नाम शिवांश ठाकुर है। इसके ऊपर पूर्व में भी 7 मुकदमे पंजीकृत है। इसके ऊपर भी लूट मारपीट गाली गलौज के मुकदमे पंजीकृत है। दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में हाजिर किया जा रहा है। अन्य आरोपी जो फरार है उसके लिए भी हमारी टीमें जो हमें लीड मिल रहे हैं, जगह जगह पे दबिश दी जा रही है। बाकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में हाजिर किया जाएगा।